नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं बड़ी खबरें। मिजोरम इलेक्शन की रिजल्ट जारी, 27 सीटों के साथ जेपीएम को बहुमत। जोरमथांगा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बाजार में जश्न, सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। बड़ी खबर, गहलोत के ओएसडी बोले एमएलए से जनता नाराज थी, सीएम तक नहीं पहुंची ये बात। 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर बोले अखिलेश यादव, लोकतंत्र में ऐसे नतीजे आते हैं। इंडिया गठबंधन पर भी दिया बयान। बाहर की पराजय का गुस्सा, सदन में न दिखाए, संसद के शीत सत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष को नसीहत। बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के नेताओं को ढूंढकर मारने का दिया आदेश। बड़ी खबर, आप सांसद राघव चड्ढा लौटेंगे राज्यसभा, राज्यसभा विशेषाधिकार समिति ने निलंबन को किया रद्द। 5 में से 4 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में चिंता की लहर, सोनिया गांधी की आवाज पर होगा मंथन। मायावती का बड़ा बयान, चुनावी नतीजे विचित्र और रहस्यमयी, 10 दिसंबर को पार्टी नतीजों को लेकर करेगी मंथन। भारत में एप्पल आईफोन के लिए बैटरी बनाएगी जापानी कंपनी, मंत्री का दावा 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। वहीं लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी, एथिक्स कमेटी की जांच पर महुआ मोइत्रा का बयान। 2% की मामूली बढ़त से कांग्रेस को मिली तेलंगाना में जीत, बीआरएस के वोट शेयर में 10% की गिरावट। पूर्व नौसेना कर्मियों को कतर से वापस लाने के लिए हर कोशिश होनी चाहिए, अधीर रंजन चौधरी की सरकार से मांग। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।